मोदी जी को, नीतीश कुमार को आगे बेटा बेटी नहीं हुआ, नीतीश को तक हुआ है, वो भी राजनीति के लायक नहीं, तो हम लोग क्या करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकली समाजवाद और परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था और इस पर जोरदार हमला किया है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने। लालू यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री को बेटा बेटी दे भगवान, जिसके बाद वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने कहा कि उनका तो बेटा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं और अक्सर परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहते हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ एजेंसी NI से बात करते हुए ये बात कही थी कि परिवारवाद खतरा है समाजवाद के लिए और ये तमाम पार्टियां जो भारत में हैं नकली समाजवाद का चेहरा ओढ़कर परिवारवाद की राजनीति लोकतंत्र में करती है। और इस पर लालू यादव ने आज करारा पलटवार किया, सुनिए लालू यादव ने क्या कुछ कहा है। मोदी जी को, नीतीश कुमार को आगे बेटा बेटी नहीं हुआ, नीतीश को तक हुआ है, वो भी राजनीति के लायक नहीं, तो उसको हम लोग क्या करें। भगवान से प्रार्थना है कि लोगों दे बेटा बेटी दे ताकि लोग परिवार बात कर। लगता है कि तेजस्वी जी और अखिलेश जी बढ़ रहे हैं तो इसलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है, आपको लगता ही है? अभी पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने पटना जिला के लोकल बॉडी के MLC के लिए श्री कार्तिक सिंह का नाम घोषणा किया है, ये सबके सहमति है, जितना ये हाउस बचाओ तो मैं जानते थे कार्तिक सिंह को चाहिए, कार्तिक सिंह पटना जी जितना हमारे बड़े हैं सब लोग हैं यहाँ जनता का लुटीरा दमन नीरा जनता का हो ही गया, कब कौन सच बोल रहे हैं पहले ही तो तय कर ले। कभी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं JDU का मतलब है जनता का दमन और उत्पीड़न, ये सच बात था प्रधानमंत्री जी या अभी जो बोल रहे हैं वो सच बात था? तो देश के आँख से तो देखो ना, बिहार में RSS को जन्म देने वाला कौन है सब लोग जान रहे हैं, तो इस पर कोई विषय नहीं। अब BJP का मतलब कौन पता रहा था, बड़का झूठा पार्टी, पहले लोग तय कर ले कौन वाले नीतीश जी या मोदी जी सही थे, 4 साल पहले वाले कि अब वाले, नहीं परिवार अपना तय कर ले ना भाई, परिवारवाद तो वो भी बात सत्य था, अगर इसमें स्वागत करते हैं तो पहले वाले में भी स्वागत करते हैं।